नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार सरकार के विकास की तस्वीर है ये। कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल का उद्घाटन किया था, लेकिन उस वक्त तक पुल की मरम्मत कर दी गई थी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उद्घाटन से ठीक पहले मेगा ब्रिज की अप्रोच सड़क टूट गई। छपरा से बंगरा घाट महासेतु की अप्रोच रोड बाढ़ के पानी के चलते टूट गई थी। करीब 50 मीटर सड़क टूटी, जिसे आनन फानन में ठीक किया गया। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। 2 से ज्यादा जेसीबी मशीन और सैकड़ों मजदूरों को मरम्मत के काम पर लगाया गया है। उद्घाटन से करीब 30 मिनट पहले सड़क की मरम्मत पूरी हुई। बंगरा घाट महासेतु के छपरा साइड में करीब 11 किलोमीटर और मुजफ्फरपुर साइड में 8 किलोमीटर लंबे अप्रोच सड़क का निर्माण किया गया है। महासेतु और अप्रोच सड़क की लागत 509 करोड़ रुपए आई है। पुल टूटने की तस्वीर के साथ आरजेडी ने ट्वीट किया। गोपालगंज आरजेडी ने ट्वीट करके कहा कि गोपालगंज का बंगरा घाट का पुल, जो सीएम द्वारा उद्घाटन के पहले ही टूट गया, अब बीजेपी जेडीयू वाले हल्ला करेंगे कि पुल नहीं अप्रोच रोड टूटा है, जैसे अप्रोच रोड विपक्ष ने बनाया हो। सीएम फिर भी उद्घाटन करेंगे, क्योंकि वो आजकल किसी भी नई पुरानी जर्जर टूटी चीजों का उद्घाटन करने को आमादा है। इससे पहले गोपालगंज के ही बैकुंठपुर में एक पुल उद्घाटन के 29 दिन बाद ही बह गया। ये पुल गंडक की सहायक नदी सोती पर बनाया गया था। 16 जून को इसका उद्घाटन किया गया था। इसकी लागत करीब 264 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कंपनी वशिष्ठा ने यह पुल बनाया था। हालांकि बिहार सरकार ने दावा किया था कि गंडक नदी पर बना 70 घाट पुल नहीं टूटा है। गंडक नदी में पानी का दबाव गोपालगंज की तरफ ज्यादा है, इस कारण पुल के अप्रोच रोड का हिस्सा कट गया है। इससे छोटे पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि इस पुल के टूटने पर जेडीयू और बीजेपी के नेता क्या जवाब देते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।